हे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश क्लास 6 हनीसकल बुक में से यूनिट 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आपको पता ही होगा कि जो डॉग है वो पहले वाइल्ड एनिमल था। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वुल्फ। जो वुल्फ होता है उसके साथ ये रहते थे और ये वाइल्ड एनिमल थे। और कैसे सेंचुरी के बाद ऐसे बहुत सारे सेंचुरी के बाद जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसको जो पालतू कैसे बनाया गया, डोमेस्टिक कैसे बनाया, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में हुआ क्या ऐसा, तो ये लेसन के जरिए हमें जानने मिल गया। इट इज़ अ स्टोरी जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपने लिए नया मास्टर कैसे फाउंड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हमारा ये जो चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। Dogs were once their own master and lived the way wolves do. पहले के जमाने में जो डॉग्स होते थे वो खुद के ही मास्टर होते थे। उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं था या किसी का भी कोई कंट्रोल था नहीं। जैसे वुल्फ्स अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे, वैसे ही यहाँ पर डॉग्स भी मस्ती से अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे। इन फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी के साथ, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं या कुछ भी पत्थर डालने वाला भी उसमें कोई था नहीं। Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. Until एक दिन क्या हो, एक ऐसा डॉग का बॉर्न हुआ जो डॉग को ये सब पसंद नहीं था, वो बोर आ गया था ऐसे लाइफ स्टाइल जीने की। इतनी सारी फ्रीडम, खाने के लिए शिकार करने का, अगर शिकार ना करो तो खाने ना मिले, इतने मेहनत करने की, तो ये जो लाइफ स्टाइल थी वो उसको बहुत ही ज़्यादा कैसे लग रही थी, बोरिंग लग रही थी। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे चिढ़ के इस बात की आती थी कि सबसे पहले तो एक जगह से दूसरी जगह wandering करना, मतलब यहाँ वहाँ भटकना, किसके लिए उसको भटकना पड़ता था, खाने के लिए, और उसको फिर शिकार करना होता था, उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। और उसके अलावा मेन प्रॉब्लम क्या था कि उससे जो बड़े लोग थे, मतलब कि उससे जो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स थे, उससे उसको डरना पड़ता था। तो सबसे डर डर के जीने का, ऊपर से शिकार करने का, हंट करने का, तब जाके उसको खाने मिलता था, तो ये सब उसको बहुत पसंद था नहीं। ये लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, डिसअपॉइंटेड था। फिर आगे देखते कि ऐसा हुआ क्या आगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. फिर उसने सोचा, एक जगह बैठ गया पहले तो डॉग, सोचा कि ये सबसे मैं कैसे निकलूँ। फिर उसने सोचा कि यस, आइडिया मिल गया, मैं ऐसे पर्सन का मैं बन जाता हूँ सर्वेंट, या कोई ऐसे एनिमल्स का, या फिर कोई ऐसी चीज का जो अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और मैं उसका बन जाऊंगा सर्वेंट, नौकर बन जाऊंगा, या मैं फिर उनकी सेवा करूंगा, तो मुझे खाना भी मिल जाएगा और मुझे किसी से डरने की भी जरूरत भी है नहीं, क्योंकि वो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वही होगा जिसका मैं सर्वेंट बनूंगा। तो ऐसे उसने सोचा। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अब क्या करूंगा, फाइंड करूंगा ऐसा मास्टर। तो फिर आगे क्या होता है। He walked and he met a kinsman of his and big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. अब वो जा रहा था ढूंढने के लिए ऐसा मास्टर जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और जा रहा था, और kinsman of his मतलब कि उसके रिलेटिव मिला, और उसका रिलेटिव उस वक्त कौन था, वुल्फ था, और वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, स्ट्रांग था। तो वुल्फ ने पूछा कि वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने डॉग को पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो डॉग ने आंसर दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने बोला कि मैं ऐसे एनिमल को, या फिर ऐसे पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस लेना चाहता हो, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे, बात सॉरी, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे। वुल्फ
तो वुल्फ ने क्या आंसर दिया? आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। उसने बोला कि क्यों नहीं, बन जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, तुझे मेरी सिर्फ सेवा करनी है। और ये चीज पे वो एग्री हो गए और वो अब साथ में घूमने लगे। They walked and all of sudden the wolf lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was surprised. अब देखो, दोनों जा रहे थे साथ में, धीरे धीरे आगे बढ़े, और तभी वुल्फ ने अपना नाक ऐसे ऊपर किया, क्योंकि वुल्फ को स्मेल आ जाती है उससे, उससे खतरनाक कोई भी एनिमल्स आता है तो उसको पहले से वो स्मेल आ जाती है। तो उसके बाद क्या किया, डार्टड क्विकली, वहाँ से क्विकली सडनली वहाँ से भाग गया। कहाँ भाग गया, झाड़ियों में, बुशेस मतलब कि झाड़ियों में, और पूरा जंगल के अंदर चला गया पाथ को छोड़ के। तो ये सब देख के ये डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ। फिर डॉग ने पूछा मास्टर को, मास्टर कौन था उसका, उस वक्त वुल्फ था। उसने बोला कि व्हाट्स कम ओवर यू, ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटन यू सो। उसने बोला कि क्या हुआ मास्टर, किस चीज से आप डर गए। फिर वुल्फ ने बोला कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। उसने बोला कि, वुल्फ ने बोला कि तूने देखा नहीं, वहां पे बियर आया हुआ है और वो शायद हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master and bear agreed to this readily and said, let's us go and find a herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill. फिर उसके बाद उसने सोचा डॉग ने कि अरे रे रे रे, वुल्फ तो बियर से डर रहा है, मतलब कि बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो चलो मुझे ये वुल्फ का नौकर बनना नहीं है, मैं अपनी सर्विस दूंगा, मैं अपनी सेवा दूंगा बियर को। वो बियर के पास जाता है और बोलता है कि क्या आप मेरी सर्विस लेना चाहोगे, मैं आपकी सेवा में ऑलवेज हाजिर रहूंगा। तो बियर ने बोला क्यों नहीं, चलो बन जाओ फिर मेरे नौकर, चलो मेरे सर्वेंट बन जाओ, चलो मैं जो कहूँगा वो तुझे करना है। तो वो रेडी हो गए, एग्री हो गए। और बियर ने बोला कि चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हर्ड ऑफ काउस, एक जो काऊ का झुंड हम फाइंड करेंगे, और मैं उसमें से एक काऊ को क्या करूँगा, शिकार करूँगा, और शिकार करने के बाद हम दोनों मिलके हमारा पेट भरेंगे एट अवर फिल, मतलब कि शिकार करके हम उसको खाएंगे और हमारा क्या करेंगे, पेट फुल करेंगे, भर देंगे। फिर आगे क्या होता है, दे वॉकड ऑन एंड सून शो अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, द काउस वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। अब धीरे धीरे वो दोनों गए और उन्होंने देखा कि हाँ, जो काऊ का झुंड वहाँ पे, और धीरे धीरे जा ही रहे थे, और तभी एक टेरिबल नॉइस आई, और जो काउस थी वो यहाँ वहाँ ओ ओ करके क्या कर रही थी, यहाँ वहाँ पैनिक हो गए, हर जगह हर डायरेक्शन में वो भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो बियर ने ये सारी चीज़ें देखी एक पेड़ के पीछे छुप के, और जैसे उसे कुछ पता चला वो वहाँ से भाग गया फॉरेस्ट के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर डॉग को फिर सरप्राइज हुआ, फिर डॉग ने पूछा कि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। उसने बोला कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़े, उसने बोला डॉग को बोला क्यों, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो किंग है वो कौन है, लायन है। तो डॉग ने पूछा द लायन हुज ही, ये कौन है। तो फिर बियर ने बोला डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, उसने बोला कि वो सबसे खतरनाक बीस्ट है पूरे अर्थ पे।
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो फिर से डॉग ने सोचा कि अरे यहाँ तो बियर भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो भी डर रहा है। तो बियर ने तो बताया कि लायन पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बीस्ट है, तो चलो फिर गुड बाय बोल देते हैं हम बियर को, हम चलते हैं हम हमारे नए मास्टर के पास जो है लायन, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और चला गया ये डॉग लायन के पास पूछने के लिए कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब लायन एग्री हो गया और जो डॉग है वो अपनी सर्विस दी बहुत बहुत टाइम तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देर वॉज नो लॉन्ग स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफन हिम एनी वे। और ऐसे काफ़ी सारे साल बीतते गए क्योंकि लायन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट एनिमल था पूरे जंगल में और उससे सारे लोग डरते थे और उसकी वजह से डॉग को कोई चिढ़ाने वाला भी नहीं था या फिर उसको कोई डराने वाला भी था नहीं, बिकॉज ऑफ लायन। तो उसकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा सेट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, खाना उसको आसानी से मिल रहा था बैठे बैठे। बट हुआ क्या, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग द पाथ दैट रेन एमिड बायर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप्ड। अब देखो ये जो दोनों थे वो जा रहे थे एक दिन जो क्लिफ होता है उसके साइड बाई साइड वो चल रहे थे और सडनली वहां पे लायन स्टॉप हो गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब वहाँ पे स्टॉप होके जो लायन थे उसने एंग्रीली रोर किया, और ऐसे उस जो आवाज़ निकालते वो रोरिंग किया उसने और अपना जो पंजा था वो जोर से ज़मीन पे उसने स्ट्रोक किया और वहाँ पे घट्टा बन गया। Then he began back away very quietly. फिर धीरे धीरे वो पीछे की ओर मुड़ गया। तो डॉग ने सोचा कि ये क्या हुआ, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज तक जो लायन है वो किसी से डरता नहीं और ये स्टेप बैक क्यों किया, कुछ तो राज होगा। तो फिर से पूछा, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। उसने पूछा कि मास्टर क्या हुआ, कुछ गलत हुआ। तो उसने बोला, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। उसने बोला कि मैंने स्मेल की, मुझे स्मेल आई कि हमारी तरफ मैन आ रहे हैं, मतलब कि इंसान, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए, नहीं तो हम दोनों ट्रबल में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसने बोला कि ओ ऐसी बात है, तो तुम भी डरते हो किसी से, और किससे डरते हो, इंसान से, मतलब कि इंसान क्या हुआ, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। उसने बोला कि बाय बाय लायन, आई वॉन्ट बी योर सर्वेंट एनी मोर, और वहाँ से डॉग चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्वड हिम फेथफुली। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज अ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। अब देखो वहाँ से चला गया डॉग, चला गया इंसानों के पास, उनका वो बन गया टैम एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल बन गया, इंसानों ने एग्री कर लिया, जो भी करार थे वो हो गए। और तब से लेके आज तक जो डॉग है वो कैसा बन गया, डोमेस्टिक एनिमल बन गया, उसको शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसको मोस्ट ऑफ कोई डराता भी था नए जंगल में होता था तो उससे जो भी स्ट्रॉन्गर होते वो सबसे डरना पड़ता था, बट यहाँ पे उसका मास्टर कौन था, इंसान था। और प्लस ये कि सबसे लोयल अगर कोई था सर्वेंट तो वो कौन था, डॉग था, सबसे लोयल सर्वेंट आज भी है, पहले भी था, और ऐसा मास्टर किसी को नहीं मिलता जैसा डॉग को मिला है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने देखा कि कैसे डॉग ने अपना मास्टर चूज़ किया खुद, उसने देखा कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट हो, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ बिताने में। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा जो डॉग है उसने फाउंड किया अपना न्यू मास्टर, और जो थे वी आर अ ह्यूमन बींग्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर आपको पसंद आया है
चैप्टर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर लाइक कीजिए, या फिर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।